इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सैन फ्रांसिस्को में ये लैंडिंग हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग। तो कॉकपिट पे कुछ दिक्कत आई और उसके बाद लैंडिंग विमान में करवाई गई है। सभी 225 यात्री, 19 क्रू मेंबर पूरी तरह सेफ है। विमान ने कल दिल्ली से ये उड़ान भरी थी और इसको इमरजेंसी में लैंड करवाना पड़ गया। और सभी जो यात्री इसमें सवार थे, 225 के आसपास इनकी संख्या, साथ ही जो 19 क्रू मेंबर्स हैं, सब पूरी तरह सेफ है। कॉकपिट में कोई तकनीकी दिक्कत आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी। एहतियात के तौर पर सैन फ्रांसिस्को में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है जिसमें 19 क्रू मेंबर सवार थे और 225 यात्री, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राहत की बात है, एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और यह माना जा रहा है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के बाद वापस ये जो विमान है उड़ान भरेगा। और आइए आपको दिखा देते हैं सबसे पहले देश से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। गोंडा में हुए चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट पर आ गया। राहत बचाव कार्य के लिए बसी रेलवे प्रशासन की टीम गोंडा पहुंच चुकी है। ट्रेन के हादसे के बाद 2 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया और 10 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया। आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं उनको गोरखपुर से बढ़ते हुए यहां पर बलरामपुर के रास्ते गोंडा की तरफ डाइवर्ट किया गया। ट्रेन डाइवर्ट होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। साथ ही कुछ यात्री जिनकी ट्रेन लेट, वो बस्ती से गोरखपुर जा रहे हैं। बहुत से यात्री अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 17 जून को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टकराने की के मामले में रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि लोको पायलट और स्टेशन मास्टर्स के पास स्वचालित सिग्नलिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और इसके कारण गलतफहमी हुई। नेटवर्क समस्या से बचने के लिए वॉकी टॉकी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को वॉकी टॉकी सेट उपलब्ध नहीं कराया गया। वो मोबाइल फोन का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे जिससे देरी और गलत कम्युनिकेशन हुआ। इसके अलावा दुर्घटना की रात यानी कि 17 जून की रात सिग्नल कंट्रोल ऑफिस में अधिकारियों की जगह टेक्नीशियन ही मौजूद थे। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बरसात से लोग पूरी तरह से बेहाल हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर के बढ़ने से किनारों की सीढ़ियों और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं पानी में। मणिकर्णिका घाट की बात करें, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर यहां पर है, उसका गर्भगृह जलमग्न हो गया है। तो वहीं एमपी के छतरपुर में भारी बरसात से कई इलाकों में जलभराव के बाद हालात जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे हो गए हैं। कर्नाटक के अंकोला में भारी बरसात के चलते पूरा शहर पानी में समा गया। पिछले कई दिन से उमस की मार झेल रहे दिल्ली को भी बरसात से राहत मिली है, लेकिन थोड़ी देर की बरसात से ही कई इलाकों में जलजमाव के हालात देखे गए। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। इनमें 7 स्वचालित हथियार हैं जिसमें 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR शामिल है। साथ ही 2 BGL लॉन्चर और डेटोनेटर भी शामिल है। गढ़चिरौली मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। पुलिस के अनुसार उत्तर गढ़चिरौली के जितने भी सशस्त्र कैडर थे उन सभी का सफाया कर दिया गया है। इस अभियान के बाद उत्तर गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। सीरियस जनरल अनिल चौहान ने करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि युद्ध की यादों को ताजा करने के अलावा उसके बाद के हालात को देखना चाहिए, साथ ही उसे जरूरी सबक भी लिया जाना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने भारतीय जांबाजों के वीरता की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध और उसके तरीके तेजी से बदल रहे, साथ ही उसका चरित्र भी बदल रहा। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि हमारे सैनिकों के बलिदान की यादें राष्ट्रीय लोक कथा का हिस्सा बनती जानी चाहिए और जैसा कि करगिल युद्ध के साथ हुआ है। Z News.